मैं ऑडेबल ना हो प्लीज एक बार कन्फर्म कीजिए गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सॉरी शायद माइक ऑन करना रह गया था क्या अभी ऑडियो क्लियर है एक बार जल्दी से बताइए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आर डिस्कशन आज की डेट है सिक्स मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर रश्मि सौरभ आकाश आप सभी को गुड मॉर्निंग जितने भी बच्चे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल देखो डायरेक्टली अगर हम बात करें इस आर्टिकल का रेलेवेंस में तो इतना नहीं है बट मेंस के लिए आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अब हुआ क्या है इस चीज को पूरे को आप समझने की कोशिश कीजिए यहां पर ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं इनका नाम है साई बाबा अब ये के एक फॉर्मल प्रोफेसर आप कह सकते थे और इनको 2014 में अरेस्ट किया गया मॉइस्ट लिंक के कारण कि भाई ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं मॉइस्ट लिटरेचर को कई लोगों में बांटते हैं और ये अंडरग्राउंड नेटवर्क जो है मॉइस्ट का उनके साथ काम करते हैं इनके लिए एक फ्रिक्वेंटली टर्म यूज की गई थी उस समय नक्सलिस्ट अब क्यों ऐसा हुआ कि इनको अरेस्ट किया गया और आज हाईकोर्ट ने क्यों इन्हें छोड़ दिया इन दोनों पक्षों को हम समझते हैं इस आर्टिकल के थ्रू देखिए यहां पर गवर्नमेंट का कहना था कि ये किसी तरह का लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे मोविस्ट जो मूवमेंट है यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो इंडिया में इंक्रीज होगा अब इस बेसिस पे यहां पर लोअर कोर्ट ने इनको सजा दे दी लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट अब ये सजा दी गई दो हजार में फिर इसको चैलेंज किया गया बॉम्बे कोर्ट में और वहां पर एक बार फिर से इस केस की सुनवाई हुई और जिसके रिजल्ट में अब ये आया है कि इनको और इनके साथ पांच और लोगों को उनको छोड़ दिया गया अब छोड़ने के पीछे रीजन ये दिया गया है कि भाई आपने जो एविडेंसेस दिए थे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो कुछ डाउट क्रिएट नहीं कर पा रहे आपके पास एविडेंसेस इतने नहीं है कि आप इस चीज को साबित कर सके कि इनका किसी भी तरह का नक्सलाइट के साथ लिंक है जिसकी वजह से अब हाईकोर्ट ने इन्हें छोड़ने की बात कही है अब यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप हमें कुछ समय दीजिए आप अभी इनको छूटने ना दीजिए आप थोड़े टाइम के लिए स्टे लगा दीजिए हम इतने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लेंगे और बाय दैट टाइम हम अपने एविडेंसेस वगैरह को भी और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर देंगे बट यहां पर सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक बात सीधी सीधी कही है कि भी हमने तो जजमेंट दे दिया रिलीज करने की अब अगर हम इस पर्सन को अभी भी अरेस्ट करके रखेंगे तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो आपका फंडामेंटल राइट right है ये उसकी एसेंस के अगेंस्ट जाएगा तो इस वजह से अब इन्हें छोड़ना पड़ेगा सरकार को तो यहां पर आपको इस आर्टिकल को आप यूज कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी जो कि जीएस पेपर as well as हम बात करेंगे पेमेंट की। आप सभी को है कि रिसेंट टाइम में पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ी हुई है चाहे एक लाइक आपके जो आप यह कह सकते हैं कि जो के वाईसीज है के वाई ढंग से आप वहां पर ले नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ एक प्रॉब्लम जो इनके साथ आई वो ये है कि जैसे एक सिंगल पर्सन के, के पे मल्टीपल अकाउंट चल रहे थे दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ आई कि भाई इनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं हमें देखने को मिल रही थी फिर तीसरी जो प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली कि जो वेरियस आरबीआई की गाइडलाइन से इन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया जिसकी वजह से अभी आरबीआई ने इनकी फंक्शनिंग के ऊपर पेमेंट बैंक की फंक्शनिंग के ऊपर रोक लगा दी बट इस कंट्रोवर्सी में एक और चीज ऐड हो गई है अभी कंट्रोवर्सी में क्या चीज ऐड हुई है यहां पे कि भाई यहां पर फॉरेन स्टेट एक्टर के साथ मिलके ये कुछ इलीगल ट्रेड्स कर रहे थे जैसे एग्जाम्पल देता हूं गैम्बलिंग है गैम्बलिंग की कुछ चीजें इंडिया में अलाउड नहीं है ये उन चीजों को भी प्रमोट कर रहे थे इवन अगर बात की जाए यहां पर जो आपकी फाइनेंशियल एक्शन इंटेलिजेंस यूनिट है इन्होंने इंटेलिजेंसर साढ़े पांच करोड़ यानी करोड़ लाख रुपीज का फाइन लगा दिया क्योंकि ये जो सर्विसेज जो प्रोहिबिटेड गेम्स वगैरह एक्टिविटीज या डेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे उसकी वजह से कुछ फॉरेन स्टेट एक्टर्स को बेनिफिट हो रहा था तो ये मेजर कारण है जिसकी वजह से यहां पर पेमेंट बैंक की जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसके ऊपर पांच करोड़ का एक और फाइन लगा दिया गया अब यहां पर एक और चीज आती है देखो अगर आपको पता हो पेटीएम के अंदर इन्वेस्टमेंट चाइनीज कंपनीज की थी तो इस वजह से प्रिवेसी एक मेजर इशू रहा है अक्सर यह खबर आती थी कि भाई जो पेमेंट बैंक है इसके डाटा का लीकेज की खबर आती थी तो वो चीजें जो प्रिवेसी इशू है वो भी एक कारण बना जिसकी वजह से यहां पर इसका जो अभी फंक्शनिंग है जो पेमेंट बैंक की फंक्शनिंग है इसे रोक दिया गया है आरबीआई के द्वारा तो ये चार रीजन थे प्लस अब ये पांचवा रीजन सामने आया जिसकी वजह से जो फंक्शनिंग है इस पेमेंट बैंक की उसके ऊपर हॉल्ट लगा दिया गया है। अब बात आती है पेमेंट बैंक होते क्या है क्योंकि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में क्वेश्चन शायद के ऊपर डायरेक्टली ना आए हाँ आ सकता है बट प्रम्स में आपको डायरेक्टली पेटीएम पे के ऊपर क्वेश्चन ना आए आपसे पूछा जाए पेमेंट बैंक क्या है और कब बने ये तो 2014 में एक रिपोर्ट आती है नचिते नचिकेत मोर कमेटी की अब नचिकेत मोर आपकी जो कमेटी है ये कहते हैं कि हमें पेमेंट बैंक को बनाना चाहिए इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और तेजी से होगा अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमने ये पेमेंट बैंक की प्रक्रिया स्टार्ट की जहां पर पहला पेमेंट बैंक बना आपका एयरटेल उसके बाद यहां पर कुछ इनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए मान लो अगर किसी को पेमेंट बैंक स्टार्ट करना है तो इनिशियल पेड अप कैपिटल उसकी सौ करोड़ होनी चाहिए मिनिमम और जो प्रमोटर है जैसे यहां पर विजय शंकर शर्मा है शायद इनको यह कहा गया कि भाई जो भी प्रमोटर्स होंगे कि आप 40 तक अपने शेयर्स को होल्ड करेंगे पांच सालों तक उसके बाद आप चाहे अपने परसेंटेज को कम कर लेना बट पहले पांच साल आप 40 परसेंट अपना स्टेक मेंटेन करेंगे कंपनी के अंदर अब ये जितने भी पेमेंट बैंक्स होते हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 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 और और पेमेंट सेटलमेंट के के अंडर अंडर कवर होते हैं और ये हैं ये किए जाते कंपनी अब अब यहां पर मतलब मल्टीपल आपके की इसके ऊपर आती है अब इनके पास मान लो कोई भी डिपॉजिट्स तो मतलब आप ये कह सकते हो कि इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होगा

बट बाद में इसमें और कुछ लिमिट को लाइक इनहस किया गया और अब ये लिमिट है दो लाख रुपए की अब यहां पर ये किसी भी तरह की रेमिटेंसेस या या पेमेंट या इंटरनेट बैंकिंग इस तरह की सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है और इवन डेबिट कार्ड को भी इश्यू कर सकता है बट यहां पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि ना तो ये एनआरआई डिपॉजिट ले सकते हैं ना ही ये क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं और ना ही ये किसी को लोन दे सकते हैं अब पेमेंट बैंक के साथ हुआ क्या इस पेटीएम के साथ देखो सबसे पहली बात तो इन्होंने केवाईसी नॉर्म्स को ढंग से अब, आपका लाइक केवाईसी के नॉर्म्स को ढंग से फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से आरबीआई ने इन्हें बार बार वार्निंग दी थी फाइंस भी लगाए थे मॉरल के अंडर फाइंस भी लगाए थे बट ये अपनी जो फंक्शनिंग है उसको इंप्रूव नहीं कर पाए जिसकी वजह से ये अभी स्टेप लिया गया उसके अलावा क्योंकि केवाईसी ढंग से नहीं था अब आप एक आप एक बात से अंदाजा लगाइए कि जो पेन कार्ड होता है एक पेन कार्ड के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स खोल रखे थे जो कि केवाईसी नॉर्म के अगेंस्ट जाता है पॉसिबिलिटी जो थी वो देखने को मिलती थी अब एक बात यहां पर और भी आती है देखो पेटीएम पेमेंट बैंक में लगभग पैंतीस करोड़ लोगों के पेमेंट वॉलेट्स हैं इसमें से थर्टी इस करोड़ आपके डॉर्मेंट पड़े हैं मतलब यूज होते ही नहीं और जो बाकी भी है उसमें बहुत कम पैसा मूव करता है तो वो एक बड़ा मतलब बात थी जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया क्योंकि ज्यादातर लोग इसके वॉलेट को यूज नहीं कर रहे थे तो इससे फाइनेंशियल इंप्लीकेशन कम लगे तो आरबीआई ने ऐसे कठोर स्टेप लिए अब आरबीआई ने बार बार इन्हें चेताया था बट स्टिल यहां पर इसको मेंटेन नहीं कर पाए तो इस वजह से आरबीआई ने यहां पर इनके ऊपर ये स्टेप लिया कि इनको अभी फंक्शनिंग करने से रोक दिया गया प्राइवेसी का इशू मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई जो 197 जो इनकी लाइक एक सब्सिडरी कंपनी है वो बेसिकली इस डाटा को एक्सेस कर सकती थी उसके बीच में सेग्रीगेशन दोनों बिजनेसेस के बीच में सेग्रीगेशन ये मेंटेन नहीं कर पाए जिसकी वजह से आज की डेट में Paytm पेमेंट बैंक के ऊपर काफी सारे आरोप लगाकर इसके फंक्शनिंग को रोक दिया गया अंकिता 75% जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है पैसा उधार लेने के लिए उसमें निवेश कर सकते हैं अब ये नहीं है कि ये पहली बार ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं देखो ऐसे कंट्रोवर्सी बहुत बार पहले भी हुई है जहां पर डाटा प्राइवेसी को लेके इनके एक स्टेटमेंट के ऊपर अक्सर लोगों ने नाराजगी जताई थी जहां पर लाइक आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर में जो पथराव होते थे एक समय उसके

डीप Bribe ब्राइब देखो इस आर्टिकल को आज के एक और आर्टिकल से मैं रिलेट करूंगा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर टेक्स्ट एंड सेक्शन में भी एक आर्टिकल आया था उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं और पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं देखो बात है 2012 की राज्यसभा सीट के इलेक्शन थे और यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो लीडर है सुरेन उनको यहां पर ब्राइबरी केस में पकड़ा गया सीबीआई के द्वारा अब यहां पर झारखंड हाई कोर्ट के पास इन, इन्होंने प्ली डाली कि भाई इनके अगेंस्ट कोई भी तरह प्रोसीडिंग नहीं हो सकतील वन नाइनटी फोर क्लॉस टू इनको इम्यूनिटी देता है कि भाई जो भी वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में करते हैं उसके तहत इनके अंदर इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती अब ऐसा होता है कि जो हाई कोर्ट है इस बात को दरकिनार करते हुए इनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट करती है तो ये भागती हुई जाती है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से इस बहस इस मुद्दे पे बहस होनी स्टार्ट होती है 2014 में ये टू जजेस बेंच के पास जाता है बट बाद में इसे थ्री जजेस बेंच को रेफर कर दिया जाता है उस समय 2019 के समय उस समय के जो आपके सी uh, थे रंजन गोगोई जी जस्टिस रंजन गोगोई

उसने अभी जो फैसला दिया है उसमें कहा है कि भाई आपके जो दो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 105 क्लॉस 2 और 194 क्लॉस 2 इन दोनों का कोई इंपैक्ट नहीं होगा ब्राइबरी केस में मतलब अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उस केस में यहां पर उसको ट्रायल किया जा सकता है रूल ऑफ लॉ के अंडर अब देखो इसमें एक बात आती है कि भाई 105 क्लॉज 2 में कहा क्या है हमारे आर्टिकल में तो इसमें कहा है कि भाई देखो एक एमपी लायबल नहीं है जो किसी भी कोर्ट के अंदर इस बात के लिए जो भी उसने कहा है या वोट किया है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आपके लाइक आर्टिकल 194 क्लॉज 2 के अंदर मतलब कहना क्या है कि 105 में हमने कहा कि भाई जो भी एमपी या आपके जो चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो ये अगर कोई भी बात कहते हैं या कोई भी वोटिंग करते हैं अपनी पार्लियामेंट के अंदर ये किसी भी कोर्ट ऑफ़ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता इनको इसके लिए सजा नहीं दी जा सकती ऐसा 194 क्लास टू में भी कहा गया बट ये विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कहा गया अब यहां पर ये कहा जाता है कि भाई देखो हमें क्या करना है एक्चुअल में ऐसी मतलब जो हमारा रूल ऑफ लॉ है कि no law, उसके लिए ये एक, एक था और पार्लियामेंट में कहेगी स्पीच या वोट के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये सारी बहस स्टार्ट कहां से होती है ये बहस स्टार्ट होती है एक केस से जिसका नाम है नरसिम्हा राव केस अब इस केस में होता क्या देखो

तो यहां पर बाकी लोगों के ऊपर तो कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं होती है बिकॉज उन्होंने पार्लियामेंट में वोट किया बट लेने के बाद जब अजीत सिंह वोट करने ही नहीं गए तो इस मैटर में में उनको करप्शन के चार्जेस अरेस्ट कर लिया गया तो यहां पर आपको समझना होगा उनके ऊपर प्रोसीडिंग भी चली तो यहां पर आपको समझना होगा एक्चुअल में जो केस था उसमें एक नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया अब ये नैरो इंटरप्रिटेशन क्यों किया गया कहते कि भाई यहां पे बेसिकली हम चाहते हैं कि भी हम प्रिवेंट करें जुडिशियल ओवररीच को कि भाई जुडिशियल हर मैटर में इंटरवीन ना करे पार्लियामेंट को उसके हिसाब से काम करे करने दिया जाए तो इस वजह से यहां पर हमने लाइक इस तरह का व्यू ओपिनियन ऑप्ट किया अब इसके बाद एक और बात आती है कि भाई इसमें नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया था सेफ गार्ड प्रोविजन का कि भाई आप अगर आप देखें तो यहां पर जो मेजोरिटी थी सॉरी uh, मेजरिटी थी उसने ये कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का नैरो इंटरप्रिटेशन ना करें आप इसको ब्रॉडली देखिए कि भाई, वोट करना ये पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में आता है और इस वजह से इसमें कोर्ट को किसी भी तरह का दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और यहां पर मेजोरिटी व्यू को ध्यान में रखते हुए जो जजमेंट आई उसके तहत एक तरह की इम्यूनिटी दे दी गई थी ब्राइबरी चार्जेस पे मतलब जो ब्राइब देगा उसको तो सजा मिलेगी बट जो ब्राइब ले रहा है उसको सजा ना देने की यहां पर बात कही गई अब जो मिनोरिटी ओपिनियन था उसमें ये कहा गया कि भाई इस तरह से तो लाइक आप एक तरह से लेजिस्लेटिव कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो और इन चीजों को प्रमोट करोगे करप्शन को प्रमोट करोगे और ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है और इवन अगर हम बात करें तो इससे इंटीग्रिटी पार्लियामेंट्री सिस्टम की इरोड होती है तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए जो आपके मिनोरिटी व्यू था वो इस पक्ष में था कि इस तरह की प्रैक्टिसेस को हमें रोकना चाहिए तो इन्होंने ये दो रीजंस दिए थे अब, अब ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है देखो ये डॉक्ट्रिन सिंपल सी एक बात कहते है कि भाई अगर जुडिशरी को लगता है कि उनके पिछले फैसले में कुछ कमी थी और वो उस फैसले को बदलना चाहते हैं तो वो ऐसा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है मीन दे कैन चेंज देर वॉड तो यहां पर प्रीवियस रूलिंग कोई भी हो उसके ऊपर उनको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है यहां पर अगर उन्हें लगता है कि उनको अपने पुराने एरर को ठीक करना है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी के लिए तो दे कैन डू दिस दे कैन रिकंसिडर देयर ओन डिसीजन

तो यहां पर दोनों के बीच में भेदभाव क्यों जो मैंने आपको अजीत सिंह जी का केस बताया था उसमें भी यही बात मतलब उस समय की कोर्ट ने उन्हें पनिश किया गया तो ये चीज कही जाती है कि भाई इस तरह की इम्यूनिटी किसी भी ब्राइब चार्जेस में नहीं होनी चाहिए अब यहां पर पीवी नरसिम्हा राव केस जो यहां पर बताया जाता है कि भाई उसमें ये इम्यूनिटी दी गई थी अब यहां पर ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो सेवन जजेस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस का जजमेंट आया है ऑल दो बहुत देरी से आया है पच्चीस साल बाद इसकी जजमेंट आई है पच्चीस साल बाद मतलब इन द सेंस कि पच्चीस साल बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ठीक किया है अपनी खुद की वर्डिक को चेंज किया है बट यस yes, देर आए दुरुस्त आए काफी अच्छी जजमेंट आई है ये तो यहां पर पहले आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था अब बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की दूसरा एडिटोरियल इज ऑल अबाउट ग्रीन जॉब अब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा ग्रीन जॉब है ही क्या अच्छा यार कल एक किसी का कमेंट आया सर एंटरटेनमेंट कम हो रहा है क्लास में अब भैया मैं एक काम करता हूँ मैं गिटार सीखना स्टार्ट कर लेता हूँ जिससे क्लास स्टार्ट करने से पहले दो तीन मिनट मैं गिटार बजा के आपको सुना दिया करूंगा ताकि इंटरटेनमेंट काफी अच्छा खासा रहे नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन जॉब किसी को इस प्रीवियस आर्टिकल में कोई दिक्कत है हां जी किसी को इस पार्ट में कोई दिक्कत है मुनमुन रिश्वत जो अक्सर लोग बचने के लिए देते हैं पुलिस वालों को है ना चलान हो रहा होता है तो पुलिस वाले को फट से निकाल के एक नोट पकड़ा देते हैं तो दैट इज ब्राइबरी चलिए अब बात करते हैं ग्रीन जॉब की अब ग्रीन जॉब का मतलब यह नहीं है कि आपने जाके पेंट करना हरा। इसका मतलब यहां पे ये है कि भाई इसे कि भी मतलब ऐसी कोई भी जॉब जो इन्वायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इंपैक्ट को रोकती हो और इवन इनवायरमेंट को रिस्टोर करने में हेल्प करती हो जैसे ए प्लांटेशन की ड्राइव हो सकती है या आप यह कह सकते हो कि लाइक नहीं तो समरी इसकी सिंपल सी ये है कि 1998 में नरसिम्हा राव केस में जो जजमेंट आई थी उसमें कहा गया कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट को को या को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां पर जो आर्टिकल 105 के अंडर आपकी लाइक आप ये कह सकते हैं इम्यूनिटी दी गई है इसको हमें नैरो इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए ये सभी तरह की चीजों में सक्षम है कि भाई आपकी पार्लियामेंट को ओवरऑल ब्लैंकेट लाइक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है तो यहां पर इस जजमेंट के बाद अभी रिसेंटली जो हाई uh, ये सुप्रीम कोर्ट की सेवन जजेस की बेंच की जजमेंट आई उसने इसके विपरीत यह कहा कि भाई ब्राइबरी केस में जो ब्राइब दे रहा है और ले रहा है मतलब रिश्वत देना और लेने वाला दोनों के ऊपर सजा का प्रावधान होना चाहिए और दोनों के ऊपर केस चलना चाहिए अब दूसरी बात यहां पर यह कही है कि भाई आप जो चीजें देखते हैं एज इट इज वो एज इट इज नहीं है आप एक चीज समझिए इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ऊपर और अगर देखा जाए तो इसका इंपैक्ट इस चीज पे भी पड़ता है कि लोगों का पार्लियामेंट के ऊपर से भरोसा खत्म होता है इस तरह के के साथ तो यहां पर उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है तो एक बार अब बात कर लेते हैं दूसरे आर्टिकल की जिसके अंदर हम बात कर रहे थे ग्रीन जॉब्स की अब ग्रीन जॉब्स क्या है इसको समझने के लिए आप एक चीज समझिए आइए कहता है कि ग्रीन जॉब का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी डिसेंट जॉब जो इनवायरमेंट को रिस्टोर कर रहा हो और इवन अगर बात की जाए इनवायरमेंट को कंजर्व करने में हेल्प कर रहा हो तो ऐसी कोई भी जॉब जैसे ए फॉरेस्टेशन के ड्राइव uh, में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस अगर आप सोलर पैनल्स को यूज कर रहे हैं या आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं या इसको ठीक uh, कर रहे हैं रिपेयर कर रहे हैं वो सभी भी ग्रीन जॉब्स की कैटेगरी में आएंगी अब यहां पर बात की जाती है कि भी देखो अगर आप इंडिया का सिनेरियो देखें तो लास्ट दस सालों के अंदर जो इंडिया का ग्रीन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है वो 250 टाइम इंक्रीज हुआ 250 परसेंट इंक्रीज हुआ है बट वुमन का कंट्रीब्यूशन उस सेम में लगभग 11 परसेंट आया तो यहां पर इन ग्रीन जॉब्स के अंदर जैसे रूफ टॉप सोलर पैनल सेक्टर है यहां पर वर्कर के के अंदर अंदर का जो जॉब पार्टिसिपेशन एज कंपेयर टू वुमेन और ऐसा एक सर्वे नहीं कह रहा एक सर्वे आया आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल 2019-20 इस सर्वे के अकॉर्डिंगली मेजॉरिटी जो वुमेन्स आपकी

लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन तो कम है ही बट उसके साथ साथ ग्रीन जॉब में भी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन और कम होता जा रहा है अब यहां पर कहा जाता है कि भी एक आपकी स्टडी कंडक्ट हुई थी स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स के द्वारा इसमें यह कहा गया कि भी एसेंट जो ग्रीन स्किल्स जो हैं वो मेंस के मेंस को उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है एंड 90 परसेंट यह माना जाता है कि भाई सोशल नॉर्म्स की वजह से महिलाएं

इस वजह से भी यहां पर वुमेन्स इस तरह की जॉब्स में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं। अब ये तो बात होगी कि क्यों वुमेन्स को परेशानी आ रही है इस तरह की जॉब्स में आने के लिए बट यहां पर जब हम बात करते हैं कि लो कार्बन के ऊपर हम शिफ्ट करेंगे ट्रांजिशन देखने को मिलेगा

तो हमें उन इमर्जिंग सेक्टर्स को पहले मैप करना पड़ेगा समझना पड़ेगा कहां कहां वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हो सकता है डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा और एविडेंसेस के बेसिस पे और प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर इंपैक्ट के बेसिस पे हम एक एनालिसिस कंडक्ट करें डाटा कलेक्ट करें और इससे वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं मतलब एक तरह से यह कहा जाता है कि भाई आप वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाहते हैं दैट इज वेल वेर गुड बट इसके लिए आपको फोकस करना होगा कि कैसे किन किन सेक्टर्स में आप वुमेन को इंगेज कर सकते हैं उसके लिए प्रॉपर एक स्टडी की जरूरत है दूसरी चीज यहां पर कॉप ट्वेंटी एट जो हुआ था उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इनिशिएटिव लिया गया जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप इसका फोकस यही है कि कैसे इन डाटा को इंप्रूव किया जाए कैसे टारगेटेड

जो परेशानी आ रही है लाइक ओवरऑल स्ट्रक्चर के कारण तो उसको भी दूर करना होगा अभी हाल फिलहाल में अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर मोर देन 40 परसेंट महिलाएं स्टेम सेक्टर में हैं यानी साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो हमें यह सोचना होगा कि इनको कैसे इंगेज किया जा सके तो इसके ऊपर हमें फोकस कर होगा बिकॉज अगर देखा जाए तो वुमेन चालीस से ज्यादा आपकी लाइक like, ग्रेजुएट है स्टेम सेक्टर से बट uh, स्टिल इनको जॉब सिर्फ तीस परसेंट को ही मिली है तो यहाँ पर एक एक बात आती है कि भी हमें जो हैंड ऑन लर्निंग है उसके ऊपर फोकस करना होगा कि जो कमियां उसको सीखना होगा साथ के साथ हमें यहां पर फोकस करना होगा कि कैसे हम मेंटरशिप प्रोवाइड करें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें अवेयरनेस जनरेशन के ऊपर फोकस करें ताकि महिलाएं इस तरह की जॉब्स को ज्यादा से ज्यादा ले अब यहां पर बात की जाती है जेंडर फोकस फाइनेंशियल पॉलिसीज को लेके आना पड़ेगा जहां पर आप कोलेट्रल फ्री लेंडिंग करें फाइनेंशियल लिटरेसी को और ज्यादा बेटर करें और सपोर्टिव नेटवर्क को बिल्ड करें ताकि इस तरह लीडरशिप पोजिशन में, में आए उसके ऊपर फोकस करना होगा साथ के साथ अगर आप जेंडर जस्ट ट्रांजिशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो यहां आपका फोकस एम्प्लॉयमेंट uh, के ऊपर सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर और कैसे इनका जो केयर वर्क बर्डन है जैसे घर के अंदर देखभाल जो बर्डन है उसको कम किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस फोकस करना होगा. फोकस करना होगा होगा और लास्टली हमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर तो यहां पर एक यह आ जाता है एंड में कि भाई ओवरऑल देखा जाए तो देखो बिजनेसेस को ये समझना होगा कि जेंडर जस्ट और इक्विटी को उन्हें इंश्योर करना होगा थ्रू आउट देयर ग्रीन ट्रांजिशन अब इसके लिए यहां पर कहा जाता है कि भी हमें इक्विटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करना होगा और जहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वुमेन्स को तो यहां पर इस आर्टिकल में ये सब बातें कही गई हैं अब जॉब रिगार्डिंग एक्सट्रक्शन ऑफ सिलिकॉन एंड अदर मिनरल फ्रॉम अर्थ यस दैट कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस बिल्कुल सचिन जिससे आप एनवायरनमेंट को क्या कर सके रिस्टोर कर सके प्रिजर्व कर सके वो सभी चीजें इसमें आएंगी अब इसकी समरी इस के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़े और उस असर को कम करने के लिए हमें कुछ प्रो एक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसमें हमें कुछ हिस्टोरिकल डाटा की रिक्वायरमेंट रहेगी उस डाटा के बिना एक्चुअल में हम

अब लॉ एंड डिसऑर्डर सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि टर्म तो लॉ एंड ऑर्डर थी बट मणिपुर को देख के ऐसा लग नहीं रहा मणिपुर में एक हुआ जहां पर एक पुलिस अफसर को उठा के ले गए एक कम्युनिटी के लोग बाद में उसके घर को भी तोड़ दिया गया इसके अलावा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसको भी डराया धमकाया गया तो एक तरह से तो ये बॉलीवुड की कोई मूवी लग रही है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता जैसे एनिमल मूवी में देखा ना पुलिस वाले के ये ही नहीं करते अब यहां पर जो पुलिस वाले को उठा के लेके गए थे उसके बाद इवन पुलिस वाले प्रोटेस्ट करने लगे अब बताओ आपका काम प्रोटेस्ट को रोकना है जहां वहां पर आप ही प्रोटेस्ट करेंगे तो कैसे आप लॉ एंड ऑर्डर को स्टिमुलेट कर सकते हैं तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर ट्राइब की इज मेथी ट्राइब मेथी ट्राइब का भी एक सेगमेंट है अरम्बई टेंगोला टेंगोल ये जो लाइक आपका मेथी ग्रुप है इन्होंने ये दोनों कांड किए मतलब दोनों जो चीजें हैं कि भाई इन्होंने क्या हुआ कि मे मंथ में एक अटैक किया जाता पुलिस पुलिस स्टेशन स्टेशन के ऊपर जहां से 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 बहुत से वेपन्स हथियारों को चुरा लिया जाता है इसके बाद पुलिस सिर्फ रिक्वेस्ट करती रह जाती है कि भैया प्लीज हमारे हथियार वापिस कर दो इन्होंने आधे से ज्यादा तो हथियार वापिस ही नहीं किए उसके बाद यहां पर ऑपोजिशन लीडर के ऊपर अटैक किया जाता है जहां पर उन्हें डराया धमकाया जाता है फिर साथ के साथ अभी रीसेंट जो वाक्य हुआ है वो ये हुआ है कि भाई एक पुलिस ऑफिशियल को उठा के ले गए और उसके घर को पूरे को तोड़ दिया इन्होंने अब इसके अटैक के प्रोटेस्ट में पुलिस वालों ने क्या कहा कि भाई हम लाइक क्या करें अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है लॉ एंड ऑर्डर एज पर शेड्यूल सेवन अब यहां जो इनके सी है ऐसा ऑथर का कहना है कि भाई वो मेजोरिटी व्यू को इंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, हैं पूरी मतलब है, स्टेट दूसरी चीज यहां पर क्या आती है कि जो आपके इवन पुलिस फोर्स है उसमें भी मेतीस का डोमिनेंस देखने को मिलता है क्योंकि और जो जो आपकी ट्राइब्स है उनका रिप्रेजेंटेशन देखने को ही नहीं मिल रहा तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई आपको एक चीज समझनी होगी कि यह बहुत बड़ा एक सीवियर चैलेंज बन सकता है आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए आने वाले समय में एंड इससे क्राइसिस तो है ही है। साथ के साथ यहां पर पोलराइजेशन एथन एथनिकल पोलराइजेशन बहुत पीक पे है तो हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम इस चीज को कंट्रोल कर सके जिसमें अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सिंह गवर्नमेंट वो आप ये मान के जाने कि वो तो मेजोरिटी के साथ ही खड़े हैं और वो प्रमोट कर रहे हैं मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कहें सेंट्रल गवर्नमेंट को इस इसमें कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए जिससे एक्चुअल में हम जो सिचुएशन है इसको इंप्रूव कर सकें क्योंकि एक बेसिक प्रिंसिपल है कार्डिनल प्रिंसिपल है आपकी डेमोक्रेसी का फंक्शनल और मॉडर्न डेमोक्रेसी का कि भैया स्टेट और सिर्फ स्टेट जो है जो कि आपकी गवर्नमेंट वो है जो लोगों ने इलेक्ट की है उसी के पास अधिकार है कि वो यूज कर सकते हैं फिजिकल फोर्स का अब अगर लोग भी फिजिकल फोर्स का यूज करने लगेंगे जैसे ये ट्राइब कर रही है तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी तो यहां पर ये यह कहा जाता है कि भाई स्टेट को अपनी मोनोपोली जो यूज ऑफ फिजिकल फोर्स है इसको एस्टैब्लिश करना होगा तभी लॉ एंड ऑर्डर की वापसी हो सकती है स्टेट के अंदर तो यहां पर जस्ट लाइक स्टेट गवर्नमेंट ने इग्नोर किया इवन ये कहा जाता है कि हो सकता है कि शायद स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी हो इस चीज में इग्नोर या इग्नोर क्या हो ये तो कह नहीं सकते बट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस चीज को नजरअंदाज कर रही है तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत है तो ये चीज यहां पर कही चलिए अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की पहला आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं क्वेश्चन सिंपल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी आर्टिकल 105 मतलब 105 क्लॉज 2 प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन पार्लियामेंट आर्टिकल 194 क्लॉज 2 ऑफर सिमिलर इम्यूनिटी एंड प्रिविलेज टू द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर As Article 105 does to the member of Parliament. The Supreme Court in P V Narsimha Rao versus state narrowed the scope of immunity granted under Article 105 clause 2, 194, clause 2. Legislature, legislators do not enjoy immunity from criminal prose uh, prosecution for bribery matter. ब्राइबरी इन मैटर कनेक्टेड टू स्पीच एंड वोट इन and एंड Assembly, असेंबली हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट above अब करेक्ट अरे भैया थोड़ा सा ध्यान से नरसिम्हा राव में आपकी जजमेंट जो थी वो नैरो नहीं थी ब्रॉड थी ब्रॉड क्यों थी क्योंकि उन्होंने इम्यूनिटी का स्कोप बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था यहां पर आपसे कहा गया कि भाई नैरो कर दिया गया और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को अलाउ किया गया था 1998 की की सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में तो ये चीज गलत है एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था इससे विपरीत हुआ था तो यहां पर आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन आई होप आपको अब स्टेटमेंट थोड़ी अच्छे से क्लियरली समझ में आई हो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की आ, आर्टिकल की वर्ल्ड बैंक वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स अब देखो ये हर साल

सेफ्टी मोबिलिटी वर्क वर्क प्लेस लाइक पे मैरिजेस पेरेंटहुड चाइल्ड केयर एंटरप्रिप एसेट्स एंड पेंशन को यूज किया जाता है मतलब इसमें इस साल जो इसका सेकेंड वर्जन जो नया वर्जन आया है इसमें सेफ्टी एक नया प्रोविजन एड कर दिया गया उसके अलावा पेरेंटहुड एक नया प्रोविजन एड कर दिया गया और चाइल्ड केयर मतलब अभी अगर बात करें तो इन तीन चीजों के ऊपर भी यहां पर बात होती है अब इसमें

तो लीगल राइट्स के से राइट 60, राइट तो मतलब राइट तो 60 राइट ही मिले ग्लोबल एवरेज 64 की है तो हम ग्लोबल एवरेज से भी नीचे रीजनल कंपेरिजन में ऑल हम अच्छा परफॉर्म करते हैं चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश अपने नेबरिंग कंट्री से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ग्लोबल एवरेज से ऊपर हैं यहां पर इंडिया का परफॉर्मेंस लगभग 54.2 परसेंट रहा जो ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है अब देखो ग्लोबल एवरेज से ज्यादा क्यों है सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है बट एक्चुअल में वो सूडो सूडो है मतलब आप देखिए कि हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में सूडो रिप्रेजेंटेशन केसेस के देखे यानी सरपंच पति के कॉन्सेप्ट जहां पर महिला पंचायत में अध्यक्ष तो है बट में पावर एक्सेस करते हैं उनके पति तो लीगल फ्रेमवर्क में हम सपोर्टिव में अच्छा करें, सेफ्टी चाइल्ड केयर और को इं, इंक्लूड किया गया ये दस इंडिकेटर्स में से एक है उसके साथ साथ यहां पर इंडिया का स्कोर जो है वो सेवेंटी फोर परसेंट के आसपास रहा है दो हजार इक्कीस से ही बट हमारी जो रैंकिंग थी वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करी बिकॉज यहां पे जो ओवरऑल बाकी कंट्रीज है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया हम वहीं के वहीं स्टेग्नेंट रहे अब यहां पर किसी भी कंट्री ने फुल ऑन फुल यानी हंड्रेड नहीं स्कोर किया है और ये कहा जाता है कि भाई अभी अगर हम जीडीपी का 20 परसेंट ग्लोबल जीडीपी का 20 परसेंट निवेश करेंगे तब जाके इस गैप को फुलफिल कर पाएंगे अब यहां पर इंडिया का अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ओईसीडी जो कंट्रीज है उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस सबसे पथैटिक है अब इसका रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है देखो ये रिपोर्ट को आप पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसका डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो वुमेन्स को किस तरह से हम सपोर्ट प्रोवाइड करें लीगल क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर जो एन जी ओज हैं इस रिपोर्ट की गुहार लगा सकते हैं मतलब यहाँ पर लाइक एक, एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जिससे एक्चुअल में वो वुमेन्स राइट के ऊपर लाइक फोकस कर सकते हैं तो वो चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती आइए अब बात करते ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये कौन करता है? हाँ, वो हमने कल ही बात किया था सुदीप बट अभी लाइक ये है कि पॉलिसी बहुत हम बनाते हैं बट पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में एक प्रॉब्लम है अभी भी हम पॉलिसीज़ को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक मेजर चैलेंज है हमारे सामने हाँ जी आंसर काफी सिंपल था आई होप आप सभी ने करेक्ट इसे मार्क किया होगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक कैवूम क्लाउड के बारे में क्लाउड काफी इंटरेस्टिंग है ये देखो आमतौर पर आप जब बात करते हैं एक हाइट के साथ मतलब टॉपोस्फेयर में क्या देखने को मिलता है कि भाई हाइट के साथ आपका टेम्परेचर डिक्लाइन करता है अब अगर हम बीस हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाए तो उस समय आप यह देखेंगे जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो लगभग जीरो डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम है तो होना तो ये चाहिए था कि यहां पे जो आपका कंडेंसेशन हो रहा है, उसमें आइस फॉर्म होनी चाहिए थी बट बिकॉज ऑफ समीजन वहां पर आइस फॉर्म नहीं होती है अब आइस फॉर्म क्यों नहीं होती है इसके पीछे कहा जाता है कि भाई देखो जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो अपने सुपर कूल्ड वाटर स्टेट में मेंटेन रख पाते हैं अपने आप को इवन बिलो फ्रीजिंग तो इसके पीछे ये कहा जाता है कि भाई आपका लाइक वो जो है ये कुछ ने, नेचुरल सर्कमस्टांसिस जो प्रेशर बेल्ट है वहां पे या प्रेशर है उसकी वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं बट यहां पर यह कहा जाता है कि भाई अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस होना तो ये चाहिए था कि भाई जो आपके सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स है वो वहां पर फ्रीज करने चाहिए थे मतलब जो आपके न्यूक्लियस होता है उसके आसपास ये फ्रीज कर जाने चाहिए थे बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाने चाहिए थे बट ऐसा हुआ नहीं अब इसी सिचुएशन में इस जगह से जब कोई एयरोप्लेन निकलता है यानी किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट यहाँ से निकलता है तो उससे क्या होता है कि एकदम से एडा एक्सपेंशन होती है एयर की जिसके बाद ऑल ऑफ द सडन ये जो आपके सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट है वो फ्रीज होना स्टार्ट करते हैं जैसे ही यहां पर आपका क्लाउड यहां से निकलता है क्योंकि उसका जो प्रेशर बेल्ट मतलब आप ये कह रहे हो कि अंदर का का प्रेशर है वाटर ड्रॉपलेट वो एकदम से चेंज होता है तो वहां पर क्या होता है कि भाई जैसे एरोप्लेन निकला तो वो उस वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करेगा उसकी पोजिशन को चेंज करेगा वो प्रेशर जो था जिसकी वजह से एक्चुअल में वो लाइक आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाया वो प्रेशर वहां पर चेंज हो जाएगा अब जैसे ये प्रेशर चेंज होगा इसकी वजह से तुरंत ही वहां पर ये जो वाटर बर्फ के अंदर कन्वर्ट होने लगेंगे, फ्रीज करने लगेंगे अब फ्रीज करेंगे तो अंडर ग्रेविटी और से हो जाते। अब इसमें हुआ क्या? जैसे मान लो ये एक बादल था अब इसके बीच में यहां से कोई एयरक्राफ्ट निकला अब हुआ ये कि ये जो एयरक्राफ्ट यहां से निकला ना इसके बाद यहां पर आपके एक होल क्रिएट हो जाएगा बिकॉज यहां पर जैसे एयरक्राफ्ट निकला तो इसके बाद यहां जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो सुपर कूल्ड स्टेट में एग्जिस्ट करते थे वो फ्रीज होंगे नीचे गिरेंगे बर्फ की फॉर्म में बट क्योंकि नीचे अगर आपकी हॉट एयर है पर्टिकुलरली उस केस में तो ये वापस से इवेपोरेट होंगे और यहां पर आपको एक छेद सा देखने को मिलेगा तो इसी होल को हम कहते हैं क्लाउड क्लाउड बेसिकली आपका होल पंच कहा जाता है इसे और इसे फॉल स्ट्रीक होल्स भी कहा जाता है इसमें आप यह मान के चले कि एक लार्ज सर्कुलर या इलिप्टल गैप देखने को मिलता है आपको सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जनरली ये दो तरह के क्लाउड्स में देखने को मिलता है ऑटोक्यूमिलस जो कि आपके ठीक ठाक हाइट पे मीडियम हाइट पे देखने को मिलते हैं और सीरो क्यूमलस क्लाउड्स केसेस में ये आपको देखने को मिल जाते हैं सीरो क्यूमुलस बहुत ऊंचाई पे होते हैं ऑटोस के नीचे होते हैं और स्टेटोक्यूमुलस सबसे नीचे होंगे अब ये किसने ऑब्जर्व किया तो यहां पर आपको याद रखना है टेरा करके एक नासा की देखने को मिल रहे हैं ना, मिला मेक्सिको के गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा के पास तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है आपको डायरेक्टली कैवोम क्लाउड्स के बारे में पूछा जा सकता है क्या है क्या नहीं होता है यहां पे तो याद रखना एक बार मैं इसको समराइज कर रहा हूं आपके लिए कि देखो एक्चुअल में होना तो ये चाहिए था विद इंक्रीज इन हाइट आपका क्या होना चाहिए था नीचे जाना चाहिए था अब ऐसी सिचुएशन में ऊपर जब हम चले बीस हजार फीट की हाइट पे तो वहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो जीरो डिग्री से बिलो है अब कंडेंसेशन जो भी यहां पर होनी चाहिए थी वो आइस की फॉर्म में होनी चाहिए थी बट इसके विपरीत कुछ केसेस में ऐसा पाया गया कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर की वजह से इंटरनल प्रेशर को जो मेंटेन किया जाता है उसकी वजह से वाटर एक सुपर कूल ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर को इस बैलेंस को डिसबैलेंस कर देगा अब जैसे होगा, तो यहां पर कुछ जहां से जो एयरक्राफ्ट निकला था उन एरिया में जो वाटर ड्रॉपलेट होंगे वो एकदम से फ्रीज करेंगे और जैसे वो फ्रीज करेंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ मूव करेंगे अगर नीचे गर्म हवा हुई वो वापस से इवापोरेट हो जाएंगे बट यहां पर एक आसमान के अंदर बादल के अंदर एक छेद सा आपको देखने को मिलेगा इस होल को ही कैवूम कहते हैं इज इट क्लियर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है आपको कैवूम क्लाउड के बारे में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छा एडाबैटिक मींस विदाउट चेंजिंग मच इन दी लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन आइए अब बात करते हैं बाकी चीजों की लाइक इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट इज मैंडेटरी यानी ये एक तरह का मैन मेड क्लाउड है यानी आप ये कह सकते हो कि ह्यूमंस ने इसे ट्रिगर किया है उसके अलावा इसमें टेंपरेचर और एल्टीट्यूड का बहुत मेन रोल है यूजुअली ये बीस हजार फीट से ऊपर देखने को मिलते हैं क्लाउड्स आपके उसके अलावा टेम्परेचर वहां पर जीरो डिग्री से नीचे रहेगा इसका इन्वायरमेंट के या वेदर के ऊपर क्या इम्पेक्ट है इसका कोई भी अभी हमारे पास कोई सिग्निफिकेंस एविडेंसेस नहीं है तो ये चीज आपको याद रखनी है एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाई क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ लो क्लाउड एनिमेटिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट जल्दी से इस चीज को देखिए अभी भी आपके सवाल जब आपका वेट कर रहा हूं मैं चले जी बहुत बढ़िया लेट्स टॉक अबाउट इंटर ऑपरेटिव ऑपरेटेबल इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम देखो अभी तक आपने बहुत से ऐसी चीजें सुनी होंगी कि आप इंटरनेट बैंकिंग पे जब भी किसी अदर बैंक के अकाउंट्स के ऊपर मनी ट्रांसफर करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो इसी चीज को ठीक करने के लिए आरबीआई ने एक गाइडलाइंस इशू की है जहाँ पर उन्होंने एन भारत बिल पेमेंट लिमिटेड को यह कहा कि भाई आप सेटलमेंट ऑफ द भाई इसमें ज्यादा टाइम ना लगे अब इसमें भारत, भारत क्रिएट कीजिए जो हमारे सामने प्रेजेंट चैलेंज चा, आ रहा है कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी नहीं होती है पेमेंट एग्रीगेटर्स के बीच में उसको आप ठीक कीजिए और ये आपको विदिन एक साल करना होगा आपको जो पूरा प्रोसेस है उसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना होगा मतलब सिंप्लीफाई करना होगा और लाइक सभी बैंक्स के जो अकाउंट्स है और इन सब चीजों को आपको इंटीग्रेट करना होगा और इसके अलावा डिलेज जो होती हैं पेमेंट सेटलमेंट में उसको कम करना होगा और रिस्क जो है उस रिस्क को भी एलिमिनेट करना होगा और ताकि सभी लोग एफिशियंटली इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कर सके मतलब जैसे अगर आपको अभी एस से जैसे एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर सचिन सचिन के पास दस करोड़ रुपए आने थे अब 10 करोड़ रुपए जो सचिन के पास आने थे ना ये आने थे आईसीआईसीआई बैंक के किसी खाता होल्डर थे उनसे और सचिन एसबीआई में खाता खुलवा के बैठे अब होता क्या है कि जनरली इस तरह की ट्रांजैक्शन सेटलमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग को भी यूज कर रहे हैं तो यहां पर हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो टाइम डिले है इसको हम कर सके कम कर सके उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि भाई जो आपके Like, कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट गलत हो गई या आ, कुछ प्रॉब्लम आ गई पेमेंट में पैसा अटक गया वो चीजें हम रिस्क उनको कम कर सके तो इसके लिए हमने ये लाइक like, काम दिया एन पी को अब एनपीसीआई को ये काम क्यों दिया गया है ऐसी क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन देखो अगर बात करें तो 2008 में ये एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन हमने बनाया था ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो कि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के लिए काम करता है मतलब आप एक तरह से देखें तो भारत के अंदर रुपए कार्ड इमिडिएट पेमेंट कि इंडिया के अंदर पेमेंट और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट बेटर बनाने के लिए यही आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है अब ये बनाई किसने आरबीआई और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलकर बनाई थी इसमें हम कोशिश ये कर रहे थे कि पेमेंट सिस्टम में कैसे इनोवेशन ला सके इसके ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन का फोकस रहता है और ये कोशिश ये करता है कि कैसे इंडिया के अंदर सिक्योर पेमेंट्स को हम इंश्योर कर सके और उसके लिए बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके अब यहां पर हम बात कर लेते हैं एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड की भी अब जब मैं आपसे बात करता हूं कि क्या आपने अपना इंटरनेट का बिल भरा बिजली का बिल भरा तो अक्सर जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो आप इस भारत बिल पे के बारे में अक्सर सुनते हैं ये एनपीसीआई की फुली ओन्ड आपकी सब्सिडी है जो कि इंडिया के अंदर रिकरिंग पेमेंट्स जैसे आपको एल की पेमेंट भरनी है हर महीने भरनी है तो ऐसी जो पेमेंट्स होती हैं रिपीटेड जो पेमेंट्स होते हैं उनके लिए बेसिकली ये आपका वर्क करता है कि भाई आप ऑटोमेटिकली उस पेमेंट को कटवा सके उसके लिए वर्क करता है और इसके लिए आप देखिये कि ये प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड इंटरऑपरेटेबल बिल पेमेंट सिस्टम कि भाई किसी भी बैंक अकाउंट से आप लिंक कीजिए कहीं से भी लिंक कीजिए आप उन बिल पेमेंट्स को इजीली कर सकते हो सभी कस्टमर कर सकते हैं इसमें कोई दुराए नहीं अब ये बिल पेमेंट को तो स्ट्रीमलाइन कर ही रहा है बट यहां पर आपको समझना होगा कि इसको आप इफेक्ट में लाए थे दो में और ये ईज एंड एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करता है कंज्यूमर की कस्टमर की सो so दैट वो एक लो कॉस्ट लाइक सोल्यूशन उसे प्रोवाइड कर सके जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई कंपनी हूं अब मैं इस पेमेंट गेटवे को यूज कर रहा हूं तो इसके थ्रू क्या होगा कि मेरी जो कॉस्ट है कलेक्शन कॉस्ट वो रिड्यूस हो जाएगी तो उसके ऊपर ये फोकस करता है तो मेजरली आपको याद रखना कि एनपीसीआई की ये सब्सिडरी है इसका काम क्या है कि रिकरिंग जो आपके पेमेंट्स होते हैं उनको कलेक्ट करना और लो कॉस्ट कलेक्शन के ऊपर ये फोकस करता है 2021 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी स्ट्रीमलाइन करता है इंडिया के अंदर बिल पेमेंट्स को आइए अब 2017 के इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं अरे सचिन अनंत अंबानी तो उसकी मेरे ख्याल से मंथली पॉकेट बनी होगी दस करोड़ के आसपास हम तो क्या है उसके आगे जितना हमारा एनुअल खर्चा है शायद वो बंदा एक दिन में उतना खर्चा करता होगा जामनगर में आपको बताऊं दुनिया के मैप पे कुछ एक लोग ही जानते होंगे या तो जो जामनगर रहते हैं जो या थोड़े गुजरात में रहने वाले लोग जानते होंगे कि जामनगर है क्या आज की डेट में मुंबई से ज्यादा जामनगर की बात हो रही है और अभी तो प्री वेडिंग थी और प्री वेडिंग में इन्होंने ये शो कर दिया गरीबो तुम्हारे यहां पर शादी थोड़ी होती है हमारे तो प्री वेडिंग तुम्हारी शादी से महंगी है समझ रहे हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो यस करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन लेट्स मूव टू दी चक्षु अब चक्षु का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने यहां पर चक्षु लगा रखे है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं है ना ये चक्षु नहीं है इस चक्षु का मतलब यह है कि भाई अगर मान लो आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है चमतारा आपने देखी होगी कॉल आया सर मैं फलाना बैंक से बोल रही हूं आपकी एक लॉटरी लगी है आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करना है या आपको एक कॉल आया अचानक से कि सर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बंद हो गया आपको केवाईसी नॉर्म अपडेट करवाना पड़ेगा अच्छा एक काम करता हूं कि मैं यहीं से आपका क्रेडिट कार्ड अपडेट कर देती हूं ऐसी कई बारी कॉल आती है ना तो ऐसे सभी फ्रॉड कॉल को आप अब रजिस्टर कर सकते हैं गवर्नमेंट की संचार सा, साथी डॉट जीओवी डॉट इन मतलब अभी क्या हुआ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोम्युनिकेशन ने चक्षु को लॉन्च किया कि भाई कोई भी आपका फ्रॉड है या स्कैम कॉल है आप उसको रिपोर्ट कर पाएंगे आप उसको रिपोर्ट कर पाएंगे तो यहां पर टेलीकोम्युनिकेशन सेक्टर में कस्टमर की प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए ये स्कीम लेके आए हैं ये पोर्टल लेके आए हैं जहां पर प्रोएक्टिवली आप सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल को रिपोर्ट कर सकते हैं और इसमें आप ये समझिए कि एक और प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जहां पर वेरियस स्टेक होल्डर्स चाहे आप टेलीकॉम सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर की बात करें चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की कोई लाइक एजेंसीज की बात करें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये आपस आप में कोलाबरेट करके स्ट्रैटेजिक लाइक जो पब्लिक रिसोर्सेज है नॉन पब्लिक रिसोर्सेज है उनको कैसे लाइक आप ये कह सकते हैं सॉरी इसमें इन तीनों का काम यह रहेगा कि मान लो कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको रोकने के लिए किस तरह से कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कर सकते हैं उसके ऊपर इनका फोकस रहेगा और ये एक तरह की आपकी स्ट्रैटेजिक नॉन पब्लिक पब्लिक रिसोर्स रहेगा क्या रहेगा स्ट्रेटेजिक नॉन पब्लिक रिसोर्स रहेगा वही है, रहे है।, है सुदीप उसी तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए ये यहां पर आपका मुहिम चलाई गई है तो यहां पर आप याद रखना कि ऑल वी हैव टू नो अबाउट टू थिंग्स एक तो चक्षु चक्षु बेसिकली फ्रॉड कॉल्स को स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करने का आपका पोर्टल रहेगा डिजिटल पोर्टल उसके अलावा डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है जहां पर डाटा शेयरिंग जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं जो इंश्योर करता है कि ये इस तरह का फ्रॉड जो आपके साथ होता है उसको टाइमली रिपोर्ट हो सके टाइमली एक्शन ले आ जा सके तो उसमें जैसे सर्विस है, आ, है, है, उन सभी को एक साथ लेकर यहां पे काम किया जा रहा है, तो यहां पर चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको इतना ही जानना था आइए आज बात कर लेते नेशनल नेचर पार्क की अब नाम से पता लग रहा होगा आपको कि भैया ये इंडिया में तो नहीं है नॉन पब्लिक मीन्स पब्लिक इज नॉट लाइक आप ये कह सकते हो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट हम जैसे लोगों के लिए नहीं है वो अब यहां पर यूक्रेन की बात की जाए तो उसके अंदर ये आपका लाइक like, नेशनल पार्क लोकेटेड है इसे अक्सर पार्क के नाम से भी जाना जाता है और यहां पर यूरोपियन यानी ये जो भैंसा देखने को मिल रहा है, आपको, इस की तादाद बहुत है। तो यहां पर तो लोकेटेड है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पास और यहां से देसेना रिवर आपकी फ्लो करती है यहाँ पर आपको यूरोपियन विशन के अलावा लेनिक्स और बर्ड स्पीशीज बहुत सारी देखने को मिल जाते हैं वार्म समर्स देखने को मिलते हैं थोड़ी बहुत सीजनल वेरिएशन है टेम्परेचर की अब इसकी लोकेशन ये यहाँ पर यूक्रेन और रशिया बॉर्डर के थोड़ा सा करीब है अब बात यूक्रेन के आसपास आपको कौन कौन सी कंट्री देखने को मिलती है क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो रशिया बेलारूस पोलैंड स्लोवाकिया हंगरी मालदोवा एंड रोमेनिया दीज आर कंट्रीज नीचे आपका ब्लैक सी आ गया आइए अब बात करते हैं आज के आर्टिकल्स की इंडियाज रैंक डिक्लाइन टू 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज इन वर्ल्ड बैंक वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स हाँ, वो चीज प्रॉब्लम देखने को मिलेगी रैंक डिक्लाइन हुआ लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था तब तो नहीं मैंने ऐसे कहा अब जरा क्लियरली देखना 2023 में हमारा रैंक कितना था बेटा लगता है नींद नहीं खुली आज थोड़ी चाय पी लो नहीं तो कॉफी पी लो ट्रू कहां से हो गया मैंने आपको बताया था 2023 में हमारा 126 रैंक था और अब 113 है तो रैंक क्या हुआ थोड़ा नींद से जागो यूपीएससी एग्जाम आपका सुबह सुबह का हो गया फिर तो होगी बेड़ा पार नींदों में ऐसे ही जवाब दे अभी पढ़ के ही बीच में ही भूल के बताओ चलो अगला ये जो आपका लाइक देनेसेना रिवर के पास लोकेटेड है इसके लेफ्ट राइट बैंक पे इतना फर्क नहीं पड़ता बस सिंपल सी बता दो कि ये जो नेशनल पार्क है ये देने रिवर के पास लोकेटेड है सेकंड बिल्कुल सही टू क्योंकि तो फॉरेन वालों के बारे में इतना कुछ पूछते नहीं है आ, कवूम क्लाउड आर एक्सक्लूसिवली फॉर्म बाय नेचर नेचुरल वेदर फिनोमेना एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस टू भाई खुद से होते हैं ये कवूम क्लाउड्स हाँ जी थर्ड इज फॉल्स खुद से नहीं होते जहाज भेजना पड़ेगा हमें जब तक एयरक्राफ्ट नहीं जाएगा तब तक नहीं होंगे आर्टिकल 194 क्लॉज 2 टू ऑफर सिमिलर इम्यूनिटी एंड प्रिविलेज टू मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव लेचर्स एज आर्टिकल 105 डज टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट Yes, शालिनी बिल्कुल सही शक्ति बिल्कुल सही फ्राइडे ओ यार ये तो फ्राइडे यार आप उसके क्या कहते हैं आयरन मैन के साथ काम करते थे क्या है फ्राइडे जारविश भी होगा फिर तो यहां पर कोई आज के लिए इतना ही प्राइडे बात का बुरा मत मानना बस ऐसे कैजुअली कह दिया कोई डाउट है किस क्वेश्चन को इसको मेमोन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है लास्ट वाला ये एक्सप्लेन करना है ओके नाउ इफ वी टॉक अबाउट ये कह रहा है कि भाई आर्टिकल एक सौ चौरानवे क्लास टू यहां पर जो इम्यूनिटी दी गई है सिमिलर इम्यूनिटी आर्टिकल वन जीरो फाइव में दी गई है मतलब एक सौ पांच में जो था उसे कॉपी पेस्ट करके यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी वही सेम पावर दी गई है इतनी सी बात कही गई कि भाई यहां पर आज मैं ये कह रहा हूं आर्टिकल ये जो बात हो रही है 194, इसमें जो इम्यूनिटी और प्रिवलेज आपके मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को मिली है वो सिमिलर है आपकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिली हुई है 105 के अंदर बस इतना ही था तो उसमें इम्यूनिटी दो ही तो मिली ना कि आप अगर कोई भी बात करते हैं जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर चप्पलें चल जाती हैं कभी माइक उठा के मारते हैं कभी चेयर उठा के मार देते हैं तो ऐसी जो घटनाएं हैं उसके लिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता बिकॉज वो चीज अलाउड है उनको प्रिविलेज है और वो उस प्रिविलेज का पूरी तरह से फायदा भी उठाते हैं कि कोई भी चीज कही या वोट किया उन्होंने उसके ऊपर किसी भी कोर्ट में जाके एक्शन नहीं हो सकता सुदीप, you know. मेरे को अभी कोई क्लैरिटी नहीं है उस बारे में थोड़ा क्लास क्लैश हो गई है तीन से पाँच मेरी साइंस की क्लास है और साइंस की क्लास और इसका टाइम क्लैश हुआ है तो देखते हैं कुछ सोल्यूशन अभी निकलेगा तो उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे ओके शक्ति बाय आपने कोई डाउट पूछा था और मैंने उस टाइम देखा था बट उस टाइम में टॉप को, कोई कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो क्या आप अपना डाउट फिर से पूछ सकते हैं अगर आपका डाउट वो क्लियर नहीं हुआ तो सर टोटल आर्टिकल पढ़ना होगा नहीं आर्टिकल मैं तो आप तो ये कहूंगा कि आप सिर्फ एडिटोरियल पढ़ लो तो भी आपका काम चल जाएगा एडिटोरियल में सिर्फ आपको मीन के परस्पेक्टिव से कैसे लिखना है वो समझ में आएगा क्लैरिटी मैं आपको दे चुका हूं इट्स ओके फ्राइडे दैट्स गुड अली इट्स नाइस टू हेयर आपको क्लास अच्छी लगी कोशिश करना रेगुलरिटी मेंटेन करना यूपीएससी इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन मोटिवेशन कुछ नहीं होता मोटिवेशन तो ऐसे ऊपर नीचे जाता रहता है इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिंड एफर्ट अगर आप डिसिप्लिंड रहेंगे हर रोज का करंट अफेयर हर रोज पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे टोटली totally और फोकस करेंगे तो डेफिनेटली यूपीएससी इज नॉट अ बिग गेम फाइनेंशियल इंक्लूजन ओके फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है कि जहां पर आप कोशिश यह करते हैं कि जो पिछड़ा हुआ इलाका भी है मतलब जो पिछड़े हुए लोग भी हैं आप उनको भी फाइनेंशियल एम्बिट में लाने की कोशिश करते हैं जैसे आपको मैं एक जनधन योजना, योजना आई उसके बादउंट्स लगभग नाइनटी परसेंट पॉपुलेशन के खुल चुके हैं तो ये आपका बेसिकली एक तरह से आप ये कह सकते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है फॉर्मल लेंडिंग सेक्टर में आप लोगों को इनरोल कर रहे हैं सचिन गुड बहुत अच्छी बात है नहीं बहुत रेयर क्लाउड्स इस तरह से समझो ऊपर आसमान में ऐसी सिचुएशन है पर बर्फ जमनी चाहिए थी बट वो बर्फ जमी नहीं क्योंकि मॉलिकुलर प्रेशर जो था उसकी वजह से उसने अपने स्ट्रक्चर को लिक्विड फॉर्म में मेंटेन किया बट जैसे वहां से एक जहाज निकलता है इस प्रेशर को डिसबैलेंस कर देता है और जिसकी वजह से एक्चुअल में आपको वहां पे एकदम से बर्फ बनती हुई दिखती है और वो बर्फ नीचे गिरती है और जिससे बादल में छेद हो जाता है तो इसको आप कह देते हैं कबूम क्लाउड्स हां सोदामी सो, दानिनी अब माँ है ये ना है क्योंकि वहां पर सो दामनी है और यहां पर सो सोदानी मैं आपको देवी जी कह के बुला लिया करूंगा ठीक है ग्रीन जॉब वो जॉब जिससे आप इन्वायरमेंट को और ज्यादा बेटर कर सके ऐसी कोई भी जॉब हाँ आज सचिन बहुत रईस हो गया दस करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है उसकी तो आज की पार्टी सच, सचिन की तरफ से है ठीक है ना सचिन पिज्जा पहुंच जाना चाहिए मेरा चलो टेक केयर है बाय टेक केयर और आराम से बैठ के आराम से पढ़ाई करना सो दामिनी सौ दामिनी मतलब सौ बिजली अरे ठीक है हैव अ नाइस डे